हेलो बच्चों, जूम ऐप पे और स्कूल मित्र ऐप पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, और ऐसा पिछले कई क्लासेस में हुआ है। हमने कोशिश की है पढ़ाने की, तो हम अब प्रयास कर रहे हैं कि आपके सामने एक वीडियो भी आपको हम दे दिया करें, ताकि अगर वो क्लासेस नहीं चल पाती हैं तो आपके उस दिन का नुकसान ना हो। और इसी क्रम में हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम कुछ बातें कर चुके थे और उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर वन आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको हम शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे हैं आगे की क्लासेस में, आगे के चैप्टर्स में इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया है कि मैटर क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जिसमें मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है। इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से होमोजीनस होते हैं, हेटरोजीनस होते हैं, प्योर इम्प्योर, ये सारी चीज़ें आप क्लास नाइन्थ में भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर बस इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। एक और टर्म है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि किसी जो दो मेज़रमेंट हैं उनके बीच में, अगर दो मेज़रमेंट हो रहे हैं सेम क्वांटिटी के, तो उनके बीच में कितनी क्लोजनेस है। ऐसे समझ लो कि अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी सेम है, ए और बी दो चीज़ें हैं और उनका मेज़रमेंट हो रहा है, तो उन मेज़रमेंट की वैल्यूज़ में कितना क्लोजनेस है, वो दोनों एक दूसरे के कितना समीप हैं, मतलब क्या सेम वैल्यूज़ हम प्राप्त कर रहे हैं या नहीं प्राप्त कर रहे हैं, इसी को प्रिसीजन कहते हैं। अगर हम बात एक्यूरेसी की करें, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो हमें मिली है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कोई चीज़ 1 किलोग्राम है और हमको तौलने पे मिला 998 ग्राम, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब ये कितना एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है उसका, इसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आगे चल करके आपको मिलेंगी जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, और ये भी आप क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हो, जिसको हम कहते हैं मास एंड वेट। अब बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको जानते होंगे कि जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो ये बताता है कि उस मैटर का कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है। मतलब अगर आपके पास में ये कोई मैटर है, तो इस मैटर का अमाउंट बताता है मास, और ये हर जगह सेम रहने वाला है। क्योंकि अगर आप 1 किलोग्राम का भार यहाँ लिए हो, आपके पास में एक वजन है जो 1 किलोग्राम का है, या आपके पास में 1 लीटर मिल्क है, तो चाहे आप यहाँ लिए रहो, अर्थ के सेंटर पे लिए रहो, मार्स पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, कहीं भी आप जाओगे वहाँ पर उसकी क्वांटिटी 1 लीटर ही रहेगी। ऐसे ही 1 किलोग्राम का अगर आपके पास में वे मास है, एक कोई भार है, वो आपके पास में है, कहीं भी ले जाओगे तो जो अमाउंट होगा उसमें सेम होगा। लेकिन जो वेट होता है बच्चों, वो चेंज होता रहता है। वेट क्या है? वेट का मतलब है कि जो हमारे पास में चीज़ रखी गई है, उस वो कितनी तेज़ी से पृथ्वी के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा अपनी तरफ खींची जा सकती है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ये डिफाइन करता है कि उसका वेट कितना होगा। जैसे हम ही हैं, अगर मान लिया हमारा वज़न यहाँ पर 100 किलोग्राम है और हम चंद्रमा पर चले जाएं, तो हमारा वज़न वहाँ पे 60 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1/6 वहाँ पे होता है। तो ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। या कभी कभी जो वेट होता है, जैसे हम लिफ्ट में जाते हैं ऊपर की तरफ जब जाते हैं, तो वहाँ पर हमको अपना भार कम महसूस होता है। तो जो वेट होता है उस पर ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता है, जो मास होता है उस पर ग्रेविटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो मास है वो हर जगह पे कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, क्योंकि जो ग्रेविटी है उसका जो मान होता है, उसकी वैल्यू होती है, वो आप किस जगह पे हैं इस पर डिपेंड करती है। अर्थ के सेंटर में हैं या उससे दूर हैं, अर्थ के सेंटर से ऊपर हैं या अर्थ के सेंटर से नीचे हैं, ये सारी चीज़ें उसकी वैल्यू को डिफाइन करती हैं। अब अगर हम बात करें कि वॉल्यूम की, तो आप भी जानते हो कि कोई भी चीज़ जितना स्पेस कवर करता है वैक्यूम में, उसी को हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। अब आपने इसके बारे में मैथ्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, और हर जगह वॉल्यूम शब्द आएगा। अगर 1 लीटर है तो वो किस तरीके से चेंज होगा डिफरेंट क्वांटिटीज़ में, ये यहाँ पे दिया हुआ है और इसको आप याद कर लेंगे। ऐसे ही टेम्परेचर है, उसको नापने के कई फार्मूले हैं,
उसको नापने की कई पद्धतियां हैं, उसमें से केल्विन एक है, एक डिग्री सेंटीग्रेड है और एक डिग्री फॉरेनहाइट है। ये तीनों एक्चुअली साइंटिस्ट थे, केल्विन भी साइंटिस्ट थे, सेल्सियस भी साइंटिस्ट थे और फॉरेनहाइट भी साइंटिस्ट थे, और इन तीनों लोगों के नाम पे तीन यूनिट्स रखी गई। लेकिन जो यूनिट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में वो होता है केल्विन की यूनिट। तो केल्विन में हम वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे उसका फार्मूला यहाँ पे दिया है, ये लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा आएगा जब वैल्यू फॉरेनहाइट में दी हुई होगी या डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई होगी और आपको चेंज करना होगा केल्विन में, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और टर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मली हम यहाँ पे एंड प्रेशर पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो केल्विन में उसकी वैल्यू होगी 273.15, ये याद रखना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कहीं पे है तो उसको हम STP कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी 0 डिग्री हो और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो तो उसको हम कहते हैं कि STP। ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती हैं। वहीं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP किसको कहेंगे, अगर कहीं पे तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जिस एटमॉस्फेयर में हम हैं उसमें जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नियर अबाउट बराबर होता है। तो अगर यहीं का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कहलाएगा, अगर यहीं का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहलाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस बात को ध्यान से समझिएगा, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर किसी जगह पे जो तापमान है जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, मतलब SATP। साइंटिफिक नोटेशन की बात हम करें तो ये मैथ्स में आप पढ़ चुके हो पहले भी कि किसी भी चीज़ को अगर हम 10 के पावर में इस तरीके से डिनोट करें, जैसे n × 10⁻⁷, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो भी हो कि 6.63 × 10⁻², या जो भी इस तरीके की वैल्यूज़ आप लिखते हो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो n है, कैपिटल N, ये वाली वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर के कितने के बीच में होगी, 9.99 के बीच में होगी। मतलब जो हम यहाँ पर n लिखेंगे, n की वैल्यू के बाद में 2 डेसिमल पॉइंट हम मैक्सिमम लगा सकते हैं, उसके बाद में हम 10 के पावर में कोई चीज़ लिखेंगे, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगेन आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, कोई चीज़ टूटती है, या जब भी कोई रिएक्शन होता है और दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसका जो टोटल मास है वो इन दोनों के मास के सम के इक्वल होगा। और इसका उल्टा भी कि अगर एक प्रोडक्ट है कोई टूट रहा है तो उसके द्वारा एक रिएक्टेंट है दो भागों में टूट रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके मास के सम की वैल्यू रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगी। और ये आप पढ़ चुके हो यहीं पे, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। एक और चीज़ आपने पढ़ा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जहाँ कहीं भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ लो पानी कहीं भी है, अगर चाहे हमारे इंडिया का है, अमेरिका का है, तालाब का है, भाप का है, ग्लेशियर का पानी है, कहीं भी अगर वाटर है तो वहाँ पर हाइड्रोजन 2 के रेशियो में होगा और ऑक्सीजन 1 के रेशियो में होगा। और इसी को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कहते हैं, ये भी आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हो। तो इसीलिए चीज़ें बार बार आ रही हैं, क्यों बार बार आ रही हैं, क्योंकि ये आगे चल करके आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो जॉन डाल्टन ने दी थी, इसको आप एक बार फिर से 11th में पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ोगे कि क्या होता है ये। अब अभी तक आपने क्या पढ़ा था, इसके पहले आपने पढ़ा था डेफिनेट प्रोपोर्शन, अब यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसको भी ध्यान से समझ लेना। जब कोई 2 एलिमेंट इस तरीके से कंबाइन होते हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो दोनों प्रोडक्ट के द्वारा जो
मतलब एक दूसरे का एक दूसरे के बीच में जो मास का रेशियो है, दो प्रोडक्ट बने, दो प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स होगा। बस यही इस चीज़ में कहा गया है। गेलुसैक का नियम है, गेलुसैक ला है, ये भी आप अगले क्लास मतलब अगले क्लास क्या इसी क्लास में डिटेल में फिर से पढ़ोगे, लेकिन इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। इस नियम के अनुसार बच्चों क्या है कि जब दो या दो से अधिक गैसेस कंबाइन होती हैं या इस तरीके से रिएक्शन करती हैं कि प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसका जो रेशियो होगा वो भी वहाँ पे मेंटेन रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस 4 की क्वांटिटी में है, मतलब हाइड्रोजन 4 की क्वांटिटी में है, ऑक्सीजन 2 की क्वांटिटी में है, तो जब ये मिलेंगे तो 2H2 मतलब और एक दो ऑक्सीजन का बना, तो ये जो जैसे यहाँ पे दो वॉल्यूम था यहाँ पे एक वॉल्यूम है, तो हाइड्रोजन जो था मेन गैस जो थी उसके दो वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन बहुत ही सरल चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं पहले और बहुत आसानी से भी आप लर्न कर लेंगे, जैसे एटॉमिक मास है। तो एटम के अंदर आपको पता है कि तीन चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका मास होता है और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो उसी को एटॉमिक मास कहा जाता है। फिर से ध्यान से समझना, किसी भी एटम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ते हैं तो उसी को हम एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन एटम के संदर्भ में अगर किसी का वेट जो है किसी भी एटम का वेट एक यूनिट के बराबर है तो उसी को हम वन यूनिफाइड मास कहेंगे, जिसको हम वन यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1.66056 × 10⁻²⁴ ग्राम के बराबर होता है। और इसी के रिगार्डिंग आपने पढ़ा होगा यू एंड AMU, ये फिर से आएगा अगले कुछ चैप्टर्स में, तो वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है जो भी एक कंपाउंड बना हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर है, CH4 है, तो इनमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबके एटॉमिक मास को जोड़ दिया जाए तो उस एक मॉलिक्यूल का मास निकलता है, उसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जैसे यहाँ पे मीथेन का दिया हुआ है तो कार्बन के एक में कितने होंगे 12 इसका 12 होगा और हाइड्रोजन में कितने होंगे 4 होंगे, तो 16 यूनिफाइड मास इसका होगा, 16 यूनिट मास होगा। और एवोगाड्रो नंबर के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, जिसको कैपिटल एन सफिक्स ए से हम डिनोट करते हैं, और 6.022 × 10⁻²⁴ मोल होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एवोगाड्रो नंबर एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू थी, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि ये किसी भी एटम का जो या किसी भी चीज़ का किसी भी मैटर का एक मोल में कितना अमाउंट होगा उसी को ये शो करता है, कि किसी भी पदार्थ के एक मोल को अगर हम लें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे और उसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कि यहाँ पर दी गई है। अब वही बात फिर से आई, मोलर मास, ये फिर से आप पढ़ चुके हो कि किसी भी एक मोल का जो मास होगा ग्राम में तो उसी को हम मोलर मास कहेंगे। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास ग्राम में अगर हम निकालें तो उसी को हम उसका मोलर मास कहेंगे। जैसे मोलर मास आप CH4, तो इसको अगर आप निकालो तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, दोनों का 16 ग्राम हुआ, कितने में, एक मोल में। ये एक मॉलिक्यूल है ना मीथेन का, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 4, तो कुल मिलाकर के हो गए 16। तो मीथेन के एक मोल में कितना ग्राम होगा टोटल, उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 16 ग्राम पर मोल, तो इसी को मोलर मास कहते हैं। और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। तो इस तरीके से बच्चों आप इसमें देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लास 9th में आपने पढ़ रखी हैं और वो यहाँ पर बार बार आ रही हैं। मोल क्या होता है ये भी आप क्लास 9th में पढ़े हो, तो ये सारी चीज़ें मैं होमवर्क के लिए आपको देता हूँ, आप इसको लिख लोगे। मैं अभी इसका नोट्स आपको भेज दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको आप लिख लोगे और बहुत ही आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको समझना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है किसी एलिमेंट का,
तो उस एलिमेंट के जितने मॉलिक्यूल हैं कंपाउंड में इनटू 100 और अपान जो मॉलिक्यूल का मास है, मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का, इसी को जैसे कितने एलिमेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में और उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन निकल आता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ये सब पढ़ लेना आप लोग। और ये सब क्लास 9th से आप पढ़ते आ रहे हो, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसको आप अच्छे से समझ लेना। मैं यहाँ पर इस टेबल को समझा दूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है और अमोनिया बना रहा है, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे नाइट्रोजन का है और तीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, बना क्या रहे हैं, दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बना रहे हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 mole of N2, 3 mole of H2, 2 mole of NH3। अब एक मोल में कितना होगा, 14 × 2, तो इक्वल टू हो गया 28 gram of N2। अब यहाँ पे 3 × 2 तो 6 gram ये, और 17 इसका होता है NH3 का, तो 2 mole बन रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुल मिला करके ये वैल्यूज़ यहाँ पे निकल आएंगी STP पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, मास परसेंट क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन ये भी एक क्वांटिटी है PPM, जिसमें हम ये देखते हैं कि 1 million में इसकी कितने पार्ट्स हैं, क्वांटिटी कितनी है कि जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज़ पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। जैसे अगर 1 million mass हम ऐसे कर लें, कहीं पे ले लें, किसी हवा में थोड़ा सा पोर्शन ले लें, जिसमें किसी भी चीज़ के मास की मात्रा 1 million की क्वांटिटी में हो, उसमें उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की डस्ट पार्टिकल कितने मात्रा में घुले हुए हैं, या यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स कितने प्रेजेंट हैं, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो मायने रखती हैं और ये आप पढ़ लेना। मोलारिटी और मोलैलिटी ये दो टर्म्स हैं, इसको समझ लो, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये क्लास 9th में नहीं रहा होगा और ये मैं समझाता हूँ। देखो अगर हम मोलैरिटी की बात करेंगे तो कैपिटल M से इस चीज़ को डिनोट करते हैं, और मोलैरिटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूट का कितना मोल 1 liter सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। 1 liter सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की मात्रा 1 liter है, उसमें कितना मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व हुआ है, ध्यान रखना। डिसॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन बना है वो 1 liter है, तो उसमें जो सॉल्यूट हमने डाला होगा वो कितना मोल डाला होगा। तो यहाँ पे मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको M1V1 = M2V2। आगे चल करके ये आएगा फार्मूला, उसमें आप यूज़ करोगे इसको। तो यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है प्योर वाटर का, ऐसे हर चीज़ का मोलैरिटी होता है। मोलैलिटी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 gram ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे लीटर में क्वांटिटी नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं कि 1000 gram में, यानी 1 kilogram सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है। ध्यान से समझना, 1 kilogram पानी ले लें, 1 kilogram पानी में कितना मोल हमने चीनी डाला है, अगर हमको ये निकाल लें तो उसकी जो मोलैलिटी होगी हमको पता चल जाएगी, और इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पर 1 kilogram वैल्यू ली गई है और उसमें कितने मोल हमने डिसॉल्व किए हैं वो मायने रखता है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो जो ये मोल्स जितने भी वहाँ पे होते हैं, रेशियो के बारे में आप जानते ही हो कि क्या होता है, कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी सॉल्यूशन में, अगर हमको ये पता हो और किसी सॉल्यूट के मोल्स की संख्या पता हो और उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसी को हम मोल फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे, स्मॉल एक्स से इसको डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से यही सारी चीज़ें आपको इसमें समझनी थी, और ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको भेज दे रहा हूँ, और इसको आप नोट्स बना लेंगे, इस नोट्स को आप बार बार पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर क्लासेस चल जाती हैं तो जूम ऐप पे आपकी पढ़ाई होगी, स्कूल मित्रा पे आपकी पढ़ाई आज संभव नहीं दिख रही है, और
अगर जूम पे चलता है तो वहाँ से फिर से हम पढ़ाएंगे इन चीज़ों को, अगर नहीं चलता तो इस वीडियो के माध्यम से जो आपको पढ़ाया गया है, अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उसको पूछ सकते हो बच्चों। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो नोट्स अभी हम आपको भेजेंगे वो नोट्स पूरा फर्स्ट चैप्टर का आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है? थैंक यू।